छतरपुर जिले के लवकुश नगर जनपद पंचायत अंतर्गत ग्राम पंचायत बैरगिया पुखरी के सरपंच प्रत्याशी अरविंद सिंह और उनके सैकड़ों समर्थकों ने आज कलेक्टर कार्यालय छतरपुर पहुंचकर पुनः मतदान कराने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा। इस दौरान समर्थकों ने भाजपा प्रदेशाध्यक्ष बीडी शर्मा के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए पीठासीन अधिकारी और सहायक सचिव कमलेश पटेल पर मतगणना में घपलेबाजी करने के आरोप लगाए हैं। राम सेवक अनुरागी ने बताया कि सरपंच प्रत्याशी एवं भाजपा नेता महेंद्र सिंह पटेल के इशारे पर प्रशासनिक अधिकारियों ने दबाव में आकर जीते हुए प्रत्याशी के मत पत्रों को निरस्त करते हुए हारे हुए प्रत्याशी महेंद्र सिंह पटेल को विजयी घोषित किया गया, जो कि गलत है। ग्राम पंचायत बैरगिया पुखरी के सरपंच प्रत्याशी अरविंद सिंह सहित सैकड़ों कार्यकर्ता और समर्थकों ने कलेक्टर कार्यालय छतरपुर पहुंचकर नारेबाजी करते हुए पुनः मतदान की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा। उपरोक्त गंभीर मामले में अब देखना दिलचस्प होगा कि जिला निर्वाचन अधिकारी संदीप जीआर क्या एक्शन लेते हैं। अरविंद सिंह जी, अरविंद, मेरे गया बगरी से। क्या मामला? मामला ये है कि मैं चुनाव लड़ रहा था, महेंद्र पटेल का और मेरा था। महेंद्र पटेल मंडल अध्यक्ष बीजेपी से और बी डी शर्मा का वो खास है, हैं तो उसने कर्मचारियों शासन और प्रशासन क्या मांग करते हैं? मतदान कराया जाए पुनः। पुनः मतदान जी? कितने लोग आए हैं आज? 400 आदमी वोटर। क्या नाम है आपका? राम सेवक अनुरागी। कहाँ से आए? बैरगिया पुखरी पंचायत से जी। क्या मामला? मामला सर ये है कि हमारी बैरगिया पुखरी पंचायत में अभी जो मतदान चल रहे हैं, कल 8 तारीख को वोटिंग हुई थी जी, तो उसमें मतदान केंद्र के मांग के 214 ग्राम जराबरा में घोटालेबाजी हुई है वोटिंग में। घोटालेबाजी ऐसी हुई है कि जब वोटिंग पूर्ण हुई तो उसके बाद जब काउंटिंग का समय आया तो एक तो काउंटिंग के लिए 3-4 घंटे के लिए बीच में गैप दिया गया। प्रत्याशी महेंद्र प्रताप सिंह पटेल द्वारा रुकाई गई थी काउंटिंग। उसके बाद जो है तो जब काउंटिंग का समय आया तो उस समय एजेंटों को मतदान केंद्र से बाहर निकाला गया, इस बहाने से कि आप जो है तो बाहर जाकर पानी पेशाब करके फिर रिटर्न होना। उसके शिकायत नहीं की इसकी? सर मैं बोल रहा हूँ। तो उसके बाद ये जब एजेंट दोबारा अंदर गए तो मतदान पेटी जो है तो खुली थी, और उसी बीच में जब एजेंट बाहर गए थे 20 मिनट के लिए, वहाँ के रोजगार सहायक सचिव के द्वारा लाइट कटवाई गई और 4-5 लोग अंदर घुसे, पीठासीन अधिकारी के द्वारा मिलकर घोटालेबाजी की गई और उसमें से 35 वोट हमारी प्रत्याशी अरविंद सिंह के रिजेक्ट करवाए गए, अनवैलिड करवाए गए, 2-2, 3-3 जगह सील लगवाई गई। तो हमारी रिक्वेस्ट ये है सर कि हमें पुनः मतदान चाहिए। आप इन्हें निर्वाचन से संबंधित ज्ञापन प्रस्तुत किया गया है, शिकायत के माध्यम से ज्ञापन दिया गया है, जिसकी जांच के लिए संबंधित आरओ को भेजकर कार्रवाई कराई जाएगी। कहां का मामला है? चंदला के पास, ग्राम पंचायत का। ग्राम पंचायत जी? ग्राम पंचायत दरिया पुखरी, दरिया टुकरी का है। क्या माने हैं इनकी, क्यों आए? ये कार्रवाई चाहते हैं, जो ज्ञापन के माध्यम से इनने शिकायत प्रस्तुत की है इनकी जांच करके निराकरण कराएंगे। क्या ऐसे मामले में पुनर्मतदान होगा, पुनर्गणना? क्या जो भी नियम कायदे में होगा उसको निराकरण करेंगे।